Partners. ये भोकाबाटा कौन है रे? छोटा बंटी? सर मोनिका डिकोस्टा छोटा बंटी की एक्स गर्लफ्रेंड। अगर किसी तरह से हम मोनिका तक पहुंच गए तो छोटा बंटी एक ना एक दिन मोनिका से मिलने जरूर आएगा और पकड़ा जाए। और मैं मम्मा मम्मा आप ठीक तो हो ना? हाँ आपका वो न्यूज में देखकर तो हम बहुत घबरा गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में चैटर खुद घायल हो गए। कहाँ? किधर? ये तो वो पुराना जख्म है, कुत्ते ने बिल्ली ने काटा था वो पहले। अब तो बहुत लाज है। थैंक यू सो मच मेरी मॉम को बचाने के लिए। अरे क्या बड़ा फाड़ जाए। लेकिन मेरी एक कंप्लेंट है। क्या? आजकल चैटर आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। मेरी मम्मी ऐसी है, बहुत केयरिंग है, सबका ऐसे ही ख्याल रखती है। एग्जैक्टली इसीलिए कह रही हूँ कि छोड़ दो ये पुलिस की नौकरी चार्टर, इसमें बहुत खतरा है। What? और शादी करके सेटल हो जाओ बस। नहीं बावड़े, शादी भी तो और खतरा है। मुजरिम का निशाना चुक सकता है लेकिन बीवी का निशाना कभी नहीं चुकेगा। डेंजरस है। चार्टर समझाओ ना तुम दोनों चार्टर को शादी करने के लिए। मम्मा इनफ, समझाने की जरूरत इन्हें नहीं आपको है। बहुत हो गया, चलो अभी घर चलो। चलो थैंक यू सो मच, बाय। चलो लेकिन मैं जिंदगी में कोई ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला कोई हो तो कितना अच्छा लगता है। खिड़की खुली हो तो गोली भी अच्छे से लगती है सर। खिड़की बंद कर। यस सर। साला इतना टेंशन है, साला खुला रखा हुआ। बंगला नंबर 203। मानव, खबीसर ने ये घर बताया जिसमें मोनिका रहती है। सुन, मोनिका के इस घर पर नजर रखने के लिए हमें वो सामने वाले घर में रहना होगा। नहीं, मैं रह लूंगा लेकिन गद्दा मुझे एकदम सॉफ्ट चाहिए और घर में इतना बड़ा चौड़ा आईना होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को पूरा का पूरा देख सकूं। तो रहूंगा बारात में आके मोनिका की, चुप करके वहां चल के रहे। कमिश्नर साहब ने सारा बंदोबस्त कराया। ये देख, बंगले की चाबियां भी दी है। कमिश्नर साहब भी हमारे साथ रहेंगे। डिस्गस्टिंग बड़ी मैं। अरे आ रहा हूँ यार, मैं तो यूं ही जोक कर रहा था। सही जगह है मोनिका के घर पर नजर रखने के लिए। अच्छा साफ साफ मोनिका का कमरा, मोनिका का लिविंग रूम, मोनिका का किचन दिख रहा है। और बाथरूम? छिछोरा आदमी है तू। तू छिछोरा, तेरी सोच छिछोरी। उसके बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस घर के बाथरूम की बात कर रहा हूँ। इस घर का बाथरूम कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं क्या बचपन से पला बड़ा हूँ उस घर में? फालतू की बातें करता है। खाना कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, जूल की बातें करता है। मोनिका ही है ना? दिखा। मानव क्या कर रहा है? दिखा यार मुझे। सेकंड में यार एक बात समझ में नहीं आई, ये मोनिका इतनी खूबसूरत है फिर उसने ऐसे छोटा बड्डी जैसे क्रिमिनल को कैसे पसंद कर लिया? होता है प्यार में कभी कभी ये भी होता है। अब देख, डॉली भी तो तुझे पसंद करती है। मानव, मोनिका निकली घर से बाहर, दरवाजा लॉक कर रही है। मुझे दिख रहा है मानव, गाड़ी की तरफ जा रही है। गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठी है। मानव मुझे दिख रहा है, गाड़ी जा रही है, जा रही है। हाँ मुझे दिख रहा है। अरे तो मुझे साफ साफ अपनी आंखों से दिख रहा है, तू इसमें से क्यों देख रहा है? क्योंकि मुझे तेरी आंखों पे भरोसा नहीं है। अब पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गया। ये पकड़, ठीक है अपनी पिकनिक के साथ थोड़ा काम भी कर ले। मैं जा रहा हूँ मोनिका के घर में ट्रांसमीटर फिट करने के लिए। जैसे ही मोनिका वापस आए वो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेगा। मैं करूंगा। गड़बड़ मत करना मानव। खाना खाने
हेलो डॉली जी, बस आप ये ख्यालों में खोया हुआ था। सुबह से बैठा हूँ बस तुम्हारी याद में। आपने बिजी कर दिया, बाकी काम बाद में। मानव, मेरी मॉम को गोली लगते लगते बची है और वो भागे हुए क्रिमिनल का कोई पता नहीं है और तुम ख्यालों में खोए हो। अरे आदि की तो हो गई बर्बादी। डॉली, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आदि, हमने बोल आदि मोनिका आ गई है, भाग। अरे कदे पहले नहीं बोल सकता था। तू पकड़ा तो नहीं गया आदि? ए आदि, तू दिख रहा है मुझे। आजा जल्दी वापस आजा। ए तू तो यहाँ है, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ है? बोला था ना तुझे मोनिका में नजर रखने के लिए। हाँ तो मैं नजर रख रहा था, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे भी कुछ संस्कार हैं। ज्यादा देर तक मैं पराई औरत पे इस तरह नजर नहीं रख सकता। तू पुलिस वाला है, गौशाला का दूध वाला है? ओ तू पहले अपनी हालत देख। मानव देसाई, तेरे चक्कर में हुआ है मेरा ये हाल। तेरा बच चला, तू मुझे खून की होली खिलवाए। और देख, माइक्रोफोन नहीं फिट कर पाया मैं तेरे चक्कर में, अब कौन करेगा फिट? मैं करूंगा माइक्रोवेव फिट। माइक्रोफोन? हाँ वो भी कर दूंगा। ये छोटा बंटी पता नहीं कहाँ से गोली चला देगा। एक तो प्रश्न दादा। प्रश्न? अमिताभ बच्चन मर गया, कौन बनेगा करोड़पति? पूछो 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 प्रश्न पूछो। चलो, ये छोटा बंटी का निशाना कैसा है? अरे बहुत अच्छा रे, मैसी का माफी, फुटबॉल प्लेयर मैसी का माफी, सीधा गोल। बच गया तो ठीक है दादा, लेकिन एक बात है, दारू पीने के बाद में उसका निशाना गड़बड़ हो जाता है। मारना होता है सलीम को और गोली लग जाता है सुलेमान को। मारेगा कमिश्नर को, लगेगा बॉस को। सर प्लीज, थोड़े दिन के लिए पूरा शहर में दारू बंद करवा दीजिए। जब छोटा बंटी का काम हो जाए फिर शुरू करवा देना। काम हो जाएगा क्या मतलब है? काम हो जाए मतलब क्या? तुम्हारा मतलब ये है कि वो हमको मारे? ना 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 दादा, काम हो जाए मतलब छोटा बंटी पकड़ा जाए, बाद में शुरू करवा देना, लेकिन तब तक बॉस इधर ही हो सर। बॉस माने चुप, ज्यादा बात मत करो, बार 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 करता है। चलो गाड़ी साइड में खड़ा करो, चलो हमारे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा पानी है? दादा जल आंची लाता हूँ पानी। दादा फटाफट फटाफट। क्या बोल रहा था रे बॉस? चलो बात, तुम हमारे साथ में आए, वो छोटा बंटी बार बार हमारे पास नहीं आ सकता है। तुम बिल्कुल डरो मत, हम ही डर डोंडे के लिए खाट करता है। अरे जैन सर। हे मानव, अरे छोटा बंटी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि तुम उसके गर्लफ्रेंड के साथ वो वसे वाला बीच हाउस में पार्टी मना रहा है। अरे सर आदि की वजह से लेट हो गया सर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं हूँ ना, मैं पूरा केस संभाल लूंगा। अरे तुम खुद को संभालो, बहुत बड़ा बात है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा फौरन ऑफिस में भेज दो, ठीक है? जी सर। ए चल ना। ठीक है वैसे ही बीच हाउस।
रही है। ठीक है सर। क्या कर रहा है यार, इतनी मुश्किल से मैं इलेक्ट्रिशियन बन के आया हूँ। इलेक्ट्रिशियन कम, पंजाबी टेडी बेयर ज्यादा लग रहा है तू। तो क्या एक टेडी बेयर को देश की सेवा का हक नहीं? सुन, तू कर तो लेगा ना। अरे करके तो मैं घर से आया हूँ यार। जी माना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तू काम तो कर लेगा ना। काम क्या, कामयाब होकर आऊंगा मैं, तू देख। जा, तू जा। ओ हाँ, मुझे जाना था, सॉरी। जा। मानव, आप बोल। लाइट्स ऑफ। टैंगो टू चाली, ओवर एंड आउट। Who are you? नमस्कार, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपके घर में लाइट चली गई है ना, उसे रिपेयर करने आया हूँ। पर लाइट तो अभी भी गई है और मैंने कोई कंप्लेन भी नहीं की। हम कंप्लेन का इंतजार नहीं करते मैडम, आपके घर में प्रकाश रहे यही हमारी जिम्मेदारी है। मेरे घर में कोई प्रकाश नहीं रहता। नहीं नहीं, आपके घर में लाइट रहे ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कह रहा हूँ। वाह, काश कि हमारी पुलिस भी आप लोगों जैसी हो जाए। हमारी पुलिस तो क्राइम होने के 2-3 घंटे के बाद स्पॉट पर पहुंचती है, एंड यू नो व्हाट, कभी कभी तो पहुंचती नहीं। और पुलिस में आजकल आप जैसे हट्टे कट्टे लोगों को रखने लगे हैं जो ठीक से चल भी नहीं पाते। क्या बताऊं मैं आपको? बस इतना बता दीजिए कि मीटर बोर्ड कहाँ पर है। वो अंदर है वहाँ, और थोड़ा जल्दी। हाँ नहीं, देखिए शादी और इलेक्ट्रिसिटी में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, कि सही तार जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, लेकिन अगर गलती से गलत तार जुड़ जाए तो जीवन भर के लिए शॉर्ट सर्किट, बडाम, ऐसा होता है ना शॉर्ट। गॉड यू स्केयर मी। ओके टेक योर टाइम, गो देयर। ओह थैंक यू। वो रहा मीटर बोर्ड। अच्छा वहाँ। आप पानी लेंगे? हाँ, एक काम कीजिए ना, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चाय पत्ती और हल्का सा गर्म करके दे दीजिए। तो फिर आप चाय ही पी लीजिए। हाँ तो पिला दीजिए, पी लेंगे। ओके। काम हो गया। गुड। मानव मानव मानव, काम हो गया, निकल वहां से अब जल्दी। आपकी चाय लीजिए। आप आई और साथ साथ में लाइट भी आ गई, देखिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपकी चाय। एक बात पूछू? हाँ जी। मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। वो मेरी शादी नहीं हुई ना, बीवी है नहीं, इसलिए घर पे रहना अच्छा लगता है, पड़ा रहता हूँ घर पे, बस बाहर ही नहीं निकलता। माना फैल मत, पकड़े जाएंगे, निकल वहां से अभी। अरे तो टेंशन मत ले। क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइट फिर से चली जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे याद कर लीजिएगा। ये लीजिए, मैं चाय नहीं पीता। थैंक यू वेरी मच। व्हाट, ही इज टोटली मैड। बॉस, अरे हमारा लंच किधर है रे? हम बॉस को बुला रहा था, तुम आ गए। तुम आ गए हो, मूड आ गया है। और गरम गरम खाना भी। अरे पावरी चैटर, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाया है। लाड़ा नको, बसा तिकड़े जेवायला। मैंने तो तय किया है चैटर, जब तक वो कमीना गुंडा पकड़ा नहीं जाता ना, तब तक तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे। क्या पता वो गुंडा तुम्हारे खाने में जहर मिला के तुम्हें मार दे तो। क्या बनाया है? लौकी, मसाले वाली लौकी। थोड़ी तीखी है, हाँ थोड़ी हमारी स्टाइल की, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। चलेगा, लो। इसमें सब्जी कम स्पाइस ज्यादा है रे। क्या हुआ चाचा, लौकी की सब्जी ठीक नहीं है? नहीं, नहीं, भालो, भालो, खूब भालो।
अगर भालो तो आंखों में आंसू क्यों आलो आ गए? ये खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू। तुम खुश हो? फिर तो तुम्हें ये सारा खाना खत्म करना पड़ेगा। हमको ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अरे कैसे बर्दाश्त नहीं होगा, देखो दाल में तो मैंने हरी मिर्च और लहसुन को कूट कूट के ठेचा डाल के मैंने दाल बनाई है। इतना मस्त खाना खाओगे अपने हाथों से या मैं खिलाऊं? पूरा खाना खत्म। कपड़ा किधर उतर गया है? सर छोटा बंटी ने सारे कपड़े उतार दिए। मैं आपके लिए पानी की बोतल लेने गया था तब। मतलब गाड़ी वो चला रहा था? हाँ सर। इधर तक छोड़ने आया? चल कपड़ा पहन के उठा, चलो चलो चलो। लेडी सामने खड़ा है, थोड़ा पानी से हट। फोन मैंने आज भी तुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जब चाहूं तुझे मार सकता हूं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल गोगोल तेरे साथ क्या किया जाए। तुझे सवालों की मैं कर दूंगा खटिया खड़ी। किसका फोन था चाटर? रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? हाँ। तो अच्छी बात है, चलो खाना खाओ। नहीं। आओ बैठो। अरे चाटर क्या हुआ? मनाफ, फोन आया मोनिका को, हेडफोन लगा। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हेलो मानव, तुझे क्या लगता है किसका फोन होगा? ये तो जरूर कोई कुत्ता होगा। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि छोटा बंटी का फोन होगा। नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ जरूर किसी असली कुत्ते का फोन होगा। सिर्फ हाँफ रहा है यार, ऐसे कोई इंसान करता है क्या? अरे कमिश्नर साहब। जैन सर। अधि और मानव, तुम दोनों अभी को अभी इधर आ जाओ। सर इधर में आओ बस। सर लेकिन हम आदि मानो। सर ये क्या है? एक तो छोटा बंटी मेरा पीछा कर रहा है और तुम उसका एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा है। सर पीछा नहीं कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं सर। नजर नजर। हाँ नजर। उसको पकड़ो। कैसे? मोनिका को? अरे पापा छोटा बंटी को पकड़ो रे, नहीं तो वो हमको मोड़ देगा। नहीं सर, वो आपको इतना जल्दी नहीं मारेगा सर। सर वो अभी आपको डरा रहा है, फिर वो आपको रुलाएगा, फिर तड़पाएगा और उसके बाद फाइनली मारेगा सर। सर नहीं नहीं करके एक हफ्ता तो है ही आपके पास। बॉस रिपोर्टिंग सर। ए तुमको नहीं बोला, तुम जाओ बाहर, बाहर से दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ। और कोई पूछेगा कमिश्नर बोलो कौन चला गया, जाओ। ओके सर। ए तो साला हमारा गले में प्रॉन अटका हुआ है और तू हमको डराता है? सर गले में प्रॉन अटका है? तो फिर आप प्रॉन खाते क्यों हैं सर? सर आपको फिश खाना चाहिए, एकदम जुप करके फिसल के सीधा पेट में। अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भी कड़े साला, प्रॉन माने लाइफ, जान, लाइफ। अच्छा अच्छा, प्रॉन प्राण अटका है, मतलब प्राण अटके हैं। वही तो बोला प्रॉन। हमारा हार्ट ठीक हो रहा है, तुमको सारा मजाक छूटता ही। सर आपका हार्ट में ऐसा दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो खिड़की खोलिए सर। ए नहीं नहीं, छोटा बंटी का पीछा करो, चलो। ठीक है सर, हम जाके फिर छोटा बंटी को पकड़ते हैं। ओके सर। सर आप टेंशन मत लीजिए सर, हम हैं, हम हैं, हम हैं सर, हम हैं सर। ये हाँ हाँ For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.